Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is bacteria. In my previous videos we were studying about the aeromicrobiology, and today we will study about the bacteria or bacteriology. So what is bacteria? Bacteria is unicellular प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल वाला, जिसको हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो रिप्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू. अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं वो देखते हैं. हम देखें आर्किबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, मेसोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सारे आ जाते हैं हमारे पास, जो है इसके ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं. और बैक्टीरिया की स्टडी करने को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं हम. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, क्योंकि जो ग्रुप इसमें आए हम उसकी सब जो है स्टडी करेंगे आज, उनको पढ़ेंगे हम छोट छोट में. तो यहाँ पर देखें कुछ शॉर्ट वीडियो, सॉरी मैं अपना ये दूसरी स्लाइड को शो कर रही थी आपको. यहाँ पर देखें दे डिफरेंट फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया इन डेट. देयर आरएनए इज 60S. आर्किबैक्टीरिया का आरएनए कितना कैसा होता है? 60S होता है. सेल वॉल डज नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन. इसकी सेल वॉल में, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती है. द सेल मेम्ब्रेन इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्लिसरो हाइड्रोकार्बन ग्लिसरोल चेन्स इंस्टीड ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, इसमें कोई फॉस्फोलिपिड लेयर्स नहीं होती हैं, बल्कि इसकी जगह क्या होती हैं? ग्लिसरो हाइड्रोकार्बन ग्लिसरोल. ठीक है, देयर राइबोसोम्स आर इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स. इसके राइबोसोम जो है वो, यानी के इनसेंसिटिव मतलब सेंसिटिव जो है वो इनसेंसिटिव होते हैं किसकी तरफ? एंटीबायोटिक्स की तरफ. ठीक है, आगे हम मज़ीद इसको देखते हैं, कुछ और इसकी लाइंस को स्टडी करेंगे. देखें लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है ये वहाँ पर भी रह लेते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका? आर्की बैक्टीरिया का. अब हम देखते हैं रिकेट्सिया, क्लैमिडिया और माइकोप्लाज्मा की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो यहाँ पर देखें आप, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर अपनी स्लाइड्स में आपके लिए बनाई हैं, तो डिफरेंट जगह से लेकर. तो यहाँ पर देखें ऑल आर प्रोकैरियोट्स. The Rickettsia and Chlamydia are intracellular parasite of eukaryotes. ये Rickettsia और Chlamydia क्या होते हैं? Intracellular parasites होते हैं, जो के किस में होते हैं? किसके होते हैं? Eukaryotes के होते हैं. ठीक है, अब आपके दिमाग में एक ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है मैम तो हमें बता रही हैं कि जो है प्रोकैरियोट्स के बारे में, लेकिन मैंने आपको बैक्टीरिया के ग्रुप्स का बता रही हूँ कि इनमें कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड हो सकते हैं. ठीक है, सिंगल सेल वालों में. ठीक है, अभी हम प्रोकैरियोट्स या यूकेरियोटिक्स को मेनली डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है, रिकेट्सिया आर टीनी रोड्स ट्रांसमिटेड बाय अर्थपोड्स एंड मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग टिश्यू. रिकेट्सिया से जो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे रोड्स ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किसके थ्रू? अर्थपोड्स जो होते हैं उनके थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यू के अंदर, जो कि लिविंग होंगे उन्हीं के अंदर ये डिजीज़ को कॉज करवाएंगे. द क्लैमिडिया आर अमंग द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. क्लैमिडिया को कंसीडर किया जाता है जो है एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा आर एसोसिएटेड. अब देखें माइकोप्लाज्मा जो है लंग डिजीज से भी एसोसिएट करता है. ठीक है, किस तरह से करता है वो हम यहाँ पर अभी फर्दर जो है इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरह से वो जो है डिजीज़ कॉज करवाएगा. आपको पता है
इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक होता है। और देखें, माइकोप्लाज्मा आर एसोसिएटेड विद लंग डिसऑर्डर। ये थोड़ा सा रफ हो रहा है तो मैं आपको वैसे ही रीड करके बता रही हूँ कि ये किससे रिलेट करता है माइकोप्लाज्मा, लंग डिसऑर्डर से। ज़्यादातर जो है लंग्स के डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो कॉज करवाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दे आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी बट आर प्रोकैरियोट्स। अब आपको पता है एल्गी जो होती हैं वो हम यूकेरियोट्स में कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया दोनों की क्वालिटीज़ रखता है अपने अंदर, सलाहियत रखता है। मतलब कि इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ करेक्टर एल्गी टाइप भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसी ये देखें, यहाँ पर मज़ीद इसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर ऑटोफिक्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक्स, ये ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल आप पिगमेंट्स एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इसको हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाई वी कॉल साइनोबैक्टीरिया एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको एल्गी कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ और फंक्शन भी हैं जो इसकी एल्गी की तरह होते हैं, इसलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। दे आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करवाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, नोस्टोक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये सारे किस में आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में अपने नेक्स्ट ग्रुप बैक्टीरिया की जिसका नाम है मीज़ोबैक्टीरिया। मीज़ोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर आल्सो कॉल फ्रूटिंग बैक्टीरिया एज दे फॉर्म फ्रूट बॉडीज। ये कैसी फ्रूट टाइप बॉडीज़ बनाते हैं, जैसे आपने फंजाई में देखते हैं ना फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं, तो ये भी इसी तरह से फ्रूट्स बॉडीज़ बनाते हैं। हैव मल्टी सेलुलर स्पेशलाइज लाइक स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इस वजह से हम जैसे कि जैसे स्लाइम मोल्ड्स होता है उस तरह से, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। मैंने हर ग्रुप के कुछ कुछ करेक्टर लिखे हैं, मैं यहाँ आपको दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव द बेसिक इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। सो अब हम बात तक कर लेते हैं एक्टिनोमाइसीड्स की। तो एक्टिनोमाइसीड्स क्या होते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स, दे आर फिलामेंटियस बैक्टीरिया, मोस्टली सॉइल लिविंग, मोस्टली किस में रहते हैं, ये सॉइल में होते हैं, इसलिए सॉइल लिविंग कह रहे हैं, सॉइल लविंग भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे जो है वो एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक का नाम आ गया जो कि एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हम देखते हैं वो क्या है, फंजाई। तो फंजाई क्या होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक माइक्रोब्स। अब देखें, फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक और जो है होते हैं, यानी कि अपनी गिज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर की एग्जांपल लें तो ईस्ट आ जाता है उसमें, और अगर मल्टीसेलुलर की लें तो उसमें मोल्ड आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है इनका क्या होता है, डिफरेंट क्लासिफाई, मतलब इनको क्लासिफाई किया गया है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके बाद इनकी एक मोडी कैसी होती है, माइसीलियम टाइप होती है, यानी कि हाइफी से बनी होती है। माइसीलियम में भी सेप्टेड और नॉन सेप्टेड,
अब सेप्टेट अगर होगी तो सेप्टेट हाइफी मतलब वो उसमें क्रॉस वॉल्स होंगे, और नॉन सेप्टेट जो है उसमें उसको हम कॉनिसाइटिक यानी के नॉन मतलब जिसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होंगे तो हम उसको कहेंगे नॉन सेप्टेट या कॉनिसाइटिक हाइफी, जो के जिसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे जिसकी हाइफी के अंदर। अब इसकी देख लेते हैं, रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली और सेक्चुअली। ये सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकती है और सेक्चुअली भी, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक फंजाई इस बोथ, ठीक है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक दोनों तरह की हो सकती हैं ये। सम आर ईडेबल्स जैसे कि मशरूम्स, लेकिन कुछ पॉइजनस मशरूम भी होती हैं, ठीक है। अब जैसे ईस्ट, ईस्ट को यूज़ करके हम जो है क्या बनाते हैं, ईस्ट हम अपने पिज़्ज़ा के डो में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके थ्रू डिफरेंट चीज़ें भी बनती हैं इसको यूटिलाइज करने के बाद। लेकिन जो इसको ईट करते हैं डायरेक्ट, वो हम मशरूम खाते हैं जो कुछ ईडेबल होती हैं और कुछ पॉइजनस होती हैं। जैसे कि एक पॉइजनस मशरूम का नाम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, अमानिता, ठीक है, अमानिता ओक्रेटा, अमानिता फेलेडाइस, ये सारी जो हैं क्या हैं, पॉइजनस मशरूम्स होती हैं। सम कॉज सीरियस डिजीज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं बल्कि बहुत सारी जो डिजीज को कॉज करवाती हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो हमने बैक्टीरिया के अलावा उनकी स्टडी की है। इसके बाद सिक्स हमारे पास आ जाता है एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, दे आर पिगमेंटेड ईओकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक। दे आर पिगमेंटेड ईओकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपनी गिज़ा खुद तैयार करेंगे। एग्जिबिट अ ग्रेट रेंज ऑफ मार्फोलॉजी, मैनी आर मोटाइल यूजली बाय फ्लेजिला, कुछ मोटाइल होते हैं और अपने आम तौर पर फ्लेजिला को यूज़ करते हैं। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, इनकी सेल वॉल पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। कैन प्रोड्यूस एसेक्चुअली और सेक्चुअली, ये भी दोनों तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी, ये दोनों तरह से जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ जो है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, दे आर यूनिसेलुलर एडियोकार्टिक एनिमल, ऑब्टेन देयर फूड बाय फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये अपना जो है वो फूड लेते हैं, यानी कि इनमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। सेल वॉल इज़ नॉट ट्रू इन्वॉल्व इन ब्लड एंड टिश्यू डिजीजेस, ये ज़्यादातर जो है ब्लड की और टिश्यू डिजीजेस करवाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, ये इनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसको कहेंगे अमीबॉइड मोशन तो अमीबा के थ्रू करवाएंगे, फ्लेजिलर मोशन जो कि ट्रिप्टोसोमा के थ्रू होगा, या सेलेरी मोशन जो कि पैरामीशियम के थ्रू होगा। तो ये किस किस के थ्रू करवाएंगे, वो ये इसके कुछ जो है मूवमेंट के मूड्स थे, मूड्स ऑफ मूवमेंट कि किस किस तरह के ये करवा सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर, दिस इज़ ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ये किसके बारे में था, ये जितने भी माइक्रोब्स के बारे में था जिनका शॉर्ट शॉर्ट सा आप डेफिनेशंस के तौर पर या उनकी एज अ करेक्टरिस्टिक्स कुछ 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 आप जो है वो पढ़ सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बहुत जानने के लिए, लेकिन इनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह ग्रोथ करते हैं, ये मैं एक एक टॉपिक लेकर पूरा पूरा आपकी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ओके, एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। सो इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट माई लेक्चर, सो यू कैन ईजीली आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स, देन आई विल बी आंसर यू आफ्टर सी योर आफ्टर सेइंग योर मैसेजेस, ओके।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.